कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे फिल्म देने वाले जिसान कादरी के साथ। जी, मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने अब तक जितनी फिल्में की हैं वो मोर और लेस एक टिपिकल कमर्शियल जॉनर की रही हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुझे उस किस्म की फिल्में करना पसंद नहीं है, लेकिन किसी वजह से मुझे उसी उन्हीं फिल्मों में कास्ट किया गया। पहली बार एक डायरेक्टर आया जिसने एक रियलिस्टिक जोन में, जिसने उस किस्म का सिनेमा भी बनाया हुआ है, उसने मेरे को कैसे रोल में कास्ट किया। और मुझे इतना, मतलब पहली बार तो बड़ा डर लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे जितने एक्टर्स थे सारे के सारे थिएटर के थे, और मंझे हुए एक्टर जिन्हें कहते हैं, बहुत ही बढ़िया एक्टर, और एक थिएटर वाला माहौल था, तो मुझे थोड़ा सा उसमें ये लगा कि मैं खरा उतर पाऊँगा कि नहीं। लेकिन बहुत मेहनत करवाई मेरे को ज़ीशान ने, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जो मैं देख रहा हूँ प्रोमोज वगैरह में, जो भी मैंने अपने सीन्स देखे बहुत ही अच्छे आए हैं। पिछले कुछ फिल्म है जहाँ तक मैं देखा हुआ जी, उसमें आपके कोई ना कोई एक ना एक डायलॉग तो बहुत फेमस हो जाता है। हाँ, इस फिल्म में ऐसा कोई डायलॉग है जो फेमस होने वाला? इसमें भगवान करे सब हो जाए, लेकिन होंगे दो तीन। इसमें डायलॉग बड़े अच्छे हैं इसके। एक दो डायलॉग अगर बोल के? एक डायलॉग तो ये है कि अपने सीनियर को कहता है कि सर आप ना मेरे अंदर घुस के फटो मत, आई नो माई ड्यूटी। और एक डायलॉग ये है कि जब इसको एक आदमी बोलता है कि हम तुम पे कैसे विश्वास कर ले, तुम तो वर्दी भी नहीं पहनते हो पूरी, तो कहता है, वो अपनी बेल्ट दिखाता है उसको, कहता तो यूके है, 26 जनवरी की वर्दी पहन लो क्या, झंडा ओढ़ लो क्या अपने ऊपर, तो ऐसा है ये वर्दी नहीं पहनता पूरी अपनी। तो आपने इस फिल्म में एक पुलिस का किरदार किया हुआ है। जी जी जी। तो वैसे अगर नॉर्मली लाइफ में देखा जाए तो आप कभी किसी पुलिस वाले से मिले हैं या फिर उनसे इस रोल को करने के लिए कुछ सीखा हुआ है? जी, मेरे फादर जो हैं दिल्ली पुलिस में 45 साल सर्विस की है उन्होंने, तो मैं दिल्ली का हूँ, और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बचपन से लेके 25-30 साल की उम्र तक मैंने दिल्ली पुलिस के अंदर ही बिताई है, फादर के ऑफिस में, उनके थानों में, उनके जेल में, यहाँ वहाँ, तो पुलिस के माहौल में मैं पला बड़ा हूँ। और ख़ासकर ये जो कैरेक्टर है ये भी दिल्ली पुलिस का ही है, हरियाणा का कैरेक्टर है, तो मेरे फादर भी दिल्ली पुलिस में ही थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उसकी मदद मिली है कैरेक्टर को करते वक्त। कई बार ये देखा गया कि डॉक्टर कोई है तो उनका बेटा डॉक्टर ही बनता है, कोई पुलिस वाले तो मैक्सिमम के बेटे पुलिस में ही जाते हैं। जी जी जी। वो तो बहुत लंबी कहानी है सर, वो तो एक्चुअली मेरे फादर चाहते थे कि मैं और मेरा भाई दोनों पुलिस में जाएं, बट मेरी मदर उतनी इसके लिए सहमत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेरे फादर की ज़िंदगी देखी थी, थानों में जाना, क्रिमिनल्स के साथ, क्राइम के साथ डील करना, गोलियां चलाना, गोलियां खाना, वो सब। तो उन्होंने बोला बच्चों को तो मैं भेजूंगी नहीं इस लाइन में, तो फिर मैं पायलट बना, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, मैंने 7-8 साल फ्लाइंग की, और फिर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैंने थोड़ी बहुत मॉडलिंग शुरू कर दी, मॉडलिंग की, तो वहाँ से फिल्मों में ब्रेक मिल गया और मैं यहाँ आ गया। जी जो ये मेरठिया गैंगस्टर आ रही है जी, वो भी वैसे ही एक फिल्म है, तो आपको क्या लगता है कि वो इसी वे में काम करते हैं या फिर उनको जॉनर भी चेंज करना है? हाँ देखिए, ये एक जॉनर है, वैसी ही फिल्म नहीं है पर जॉनर है, हर जगह होता है, हॉलीवुड में भी एक ऐसा जॉनर है जो कि नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, पल्प फिक्शन, एक अलग किस्म की फिल्में हैं ये, इनकी अलग भाषा है, तो वैसा जॉनर किसी भी जो फ्लरिशिंग इंडस्ट्री होती है उसमें वो जॉनर बनता है, और उसमें डायरेक्टर्स फिल्म बनाते हैं उस जॉनर में, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है कि आप उसी जॉनर की फिल्म, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जॉनर, अगर मैं डायरेक्टर होता तो मैं इसी जॉनर की फिल्में बनाता। फिल्म में आपके साथ संजय मिश्रा जैसे भी कलाकार? जी जी जी, उनके साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, वो तो बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, और बहुत ही कमाल का एक्टर है, और वो उन एक्टरों में से एक है कि उसके साथ जब सीन करो तो आपको तैनात रहना पड़ता है, क्योंकि वो इतना बढ़िया काम करता है, तो अगर आप अपना काम उस लेवल पे नहीं करेंगे तो आप सीन में दिखेंगे नहीं कहीं, वो इतना अच्छा एक्टर है, तो उसके साथ भी बड़ा। लगभग 40 दिन आपने शूटिंग में गुजारा है जी, उन लोगों के साथ, तो कोई एक ऐसा खास एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ खास पल जो आपको याद रह गया, कभी ना भूलेंगे ऐसा पल? ऐसे तो बड़े एक्सपीरियंसेस थे,
लेकिन एक एक्सपीरियंस मेरे को अभी तक याद है, हम खेतों में शूटिंग कर रहे थे और वहाँ शूटिंग करके इतनी गर्मी थी कि सबकी, और मैं तो खाकी पैंट पहनता था तो मेरी पैंट भीग गई थी पसीने से, कमीज़ तो चलो भीगी, पैंट भी पूरी, ऐसा लग रहा था कि मैं बारिश में से निकल के आया हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। और हमने उस दिन 3 सीन निकाले थे उस गर्मी की हालत में, वो दिन नहीं भूलता मेरे को। जी बिल्कुल, पहली चीज़ वही लगी, पहली चीज़ तो वही लगा कि मैंने कहा यार लोग काम कैसे करते हैं यार इतनी गर्मी में हल जोतना। हम तो चलो शूटिंग कर रहे थे, वहाँ टी शर्ट पहनी हुई थी, ये है वो है, 10 लोग आसपास घूमते हैं आपके कि सर ये ले लो, पानी ले लो, नींबू पानी ले लो, वो तो लोग बेचारे अकेले काम करते हैं वहाँ पे। हालांकि हमारा भी जो है, हमने 3 सीन निकाले थे उस दिन वहाँ पर उस पूरे खेत में, तो डेफिनेटली दिमाग में आया मेरे को। तो अभी आपके आने वाले और कुछ प्रोजेक्ट्स? सबसे पहले मेरठिया गैंगस्टर, ये अभी आ रही है 18 सितंबर को, फिर एक फिल्म आएगी भाग जॉनी, विक्रम भट्ट की फिल्म है, उसके बाद हनी सिंह के साथ एक फिल्म आ रही है जोरावर, वो आएगी दिसंबर में। तो ये 3 फिल्में अभी रिलीज पे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस फिल्म में कोई ना कोई डायलॉग निकल के जरूर निकल के आएंगे। हाँ, थैंक्स थैंक्स।